आपके सारे मसले हल हो जाएंगे अगर आप इस आयत पे आ जाएं। इट इज नॉट फिट फॉर अ बिलीविंग मैन और अ बिलीविंग वुमेन। नहीं जेब देता एक मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को कि जब अल्लाह और उसका रसूल एक फैसला कर चुके हैं तो उसमें उसके बाद उनका कोई ओपिनियन हो। ये है फैसला अल्लाह का। हम में आधे से ज्यादा लोगों को ये डेफिनेशन ही हजम नहीं होनी मोमिन की और मुसलमान की कि ये क्या, इसका मतलब हम स्लेव्स हैं। यही है ना, हमें तो ये बताया गया तुम फ्री हो, तुम बहुत ओपिनियनेटेड होना चाहिए, तुम्हारा ये ओपिनियन होना चाहिए, वो ओपिनियन होना चाहिए। ट्रुथ तो यही है कि हम अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल करने वाले लोग हैं, और जितना ये हम अपनी जनरेशन को जल्दी बता दें, चाहे उनसे हजम हो या ना हो, उतना हमारे लिए बेहतर है। किसी भी तरीके से उनकी तरबियत इस पे करें। एंड हूएवर डिसओबेज, और इसके बाद जो भी डिसओबे करेगा अल्लाह को और उसके रसूल को, हैज सर्टनली स्ट्रेड इनटू क्लियर एरर, तो फिर फकत जल्ला जलालम मुबीना, वो फिर बहुत ही गुमराही का शिकार हो चुका है। यहाँ से अगर हम शुरू करें हर रिलेशन को और अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि देखो जब कुरान और हदीस सामने आ जाए तो उसके बाद अपनी राय देना या उसको ना मानना या उसको ट्विस्ट करना या कहना है तो फलाने मौलवी की इंटरप्रिटेशन, हालांकि बहुत क्लियर कट आयाज है, उनमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो बहुत क्लियर आयाज है। अल्लाह ताला ने बहुत क्लैरिटी से हस्बैंड और वाइफ दोनों के सारे राइट्स बताए हैं। बहुत हिकमत से अल्लाह ताला ने मर्द को भी कंट्रोल करने का मैकेनिज्म और औरतों को भी कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नाजिल किया। ये अब अलग बात है कि हम उसको बिलिटल करें, हम उसको ना माने और बाद में हमारे मसले मसाइल पैदा हों। ओ मैनकाइंड, फियर योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम वन सोल एंड क्रिएटेड फ्रॉम इट्स मेट एंड डिस्पर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम मैनी मैन एंड वुमेन। और फिर कहा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, और अल्लाह से डरते रहो through whom you ask one another and the wombs। रहम के रिश्तों का जिक्र हुआ, रहम के रिश्ते बरकरार रखो, और वो बरकरार कैसे रहेंगे, तकवा से। दो बार तकवे का जिक्र। इसलिए जो सोसाइटी नंबर वन इस बात का इकरार ना करे कि हमारे आगे अल्लाह रसूल का ओपिनियन सबसे अव्वलीन है, नंबर वन है, और दूसरी बात तकवे की तरफ ना आए, तब तक मामलात दुरुस्त नहीं चलते। तो हस्बैंड वाइफ के तमाम मामलात तकवे की बेसिस पे चलें तो वो रिश्ते ठीक रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं।